जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बारिश की वजह से ट्रैक पे रनिंग ना होकर के आज हम लोग ट्रैक के आउटसाइड में आज रनिंग करेंगे। और शटल रनिंग एक ऐसी रनिंग होती है, आपको बताना चाहते हैं, जो लोग दौड़ते वक्त हाँफने लगते हैं या जिनकी सांसें फूलने लगती हैं, जिनकी मसल्स पकड़ने लगती है, उनके लिए शटल रनिंग बेहद ज़रूरी है। यदि आप 1600 मीटर फर्स्ट ग्रुप में आप मारना चाहते हैं तो आपके लिए शटल रनिंग बेहद ज़रूरी, बेहद आवश्यक है। क्योंकि यदि आप शटल रनिंग करेंगे तो आपकी थाई में इतना ज़बरदस्त पावर आ जाएगा कि आप कहेंगे कि हाँ यार, वाकई में थाई मेरी मजबूत हुई है, मेरी सांस फूलने की जो समस्या है वो भी दूर हुई है। तो शटल रनिंग आपके सामने इस समय चल रही है, आप इसको देखिए। इसमें आपको दोनों तरफ झुकना रहेगा। आप जैसे अपना दायां पैर झुकाते हैं, फिर उसके बाद बायां हाथ जाएगा, बायां पैर जैसे आपका आगे जाएगा, दायां हाथ झुकेगा। इस तरह से आप इसको तीन तीन चार चार सेट में आप बना सकते हैं। जैसे 10 से 15 मीटर की दूरी पे इसको आप बनाइए, फिर उसके बाद आप 3 से 4 बार या 7 बार ज़्यादा से ज़्यादा टच करिए इसको। टच करने के बाद एक बार आप लास्ट में स्पीड में भाग जाइए। फिर उसके बाद इस तरह से करते करते आप जैसे 10-15 मिनट आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 15 मीटर यानी कि 10 मीटर समाप्त हो गया, फिर आप 15 मीटर बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद आप 15 मिनट पर उसी तरह से 4 सेट 5 सेट आप जितना अपना लगा सकते हैं। टच करने की बात आपको बता रहे हैं कि आप 5 बार 7 बार टच करके उसके बाद आप भाग जाया करिए। फिर उसके बाद आपका 2 सेट कंप्लीट हुआ। आप लास्ट सेट जो होता है आपका, आप इसमें जो 15 मीटर की दूरी थी आपको उसको 25 मीटर बढ़ा लेना है। 25 मीटर बढ़ाने के बाद वही प्रक्रिया फिर से आपको दोहराना। और स्पीड इसमें क्या है ना, इसमें आपको तुरंत झुकना है, तुरंत उठना है और स्पीड चलना है। क्योंकि इससे देखिए थाई भी मजबूत होगी और स्पीड की आपको बात बता रही, इसमें तुरंत स्पीड करना रहता है। इसलिए जो होती है हमारे स्पीड में भी उन्नति होती है, क्योंकि स्पीड आपको तुरंत इसमें पकड़ना होता है। 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको बता रहे हैं बेस्ट एक्सरसाइज बेस्ट रनिंग है। शटल रनिंग जो होती है ना, हर एक भावक को, जो भी दौड़ने वाले लोग हैं उनको शटल रनिंग तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि शटल रनिंग से ना आपकी मसल्स मजबूत होती है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप शटल रनिंग देखिए और अच्छे तरीके से इसको सीखिए। क्योंकि यार दोस्त, ज़िंदगी में क्या है ना, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ आए रनिंग किए, बहुत से लड़के ऐसी गलती करते रहते हैं कि सिर्फ ग्राउंड में जाएंगे 10 चक्कर 15 चक्कर, अपना रेगुलरिटी उन लोगों का यही काम है कि 10 चक्कर दौड़ लिए, 1600 मीटर दौड़ लिए, चाहे 2 किलोमीटर दौड़ लिए, 3 किलोमीटर दौड़ लिए, बस यही उनका काम है। देखिए, आप यदि अपनी मसल्स में पावर नहीं लाएंगे तो आप नहीं भाग सकते हैं। आप ही बताइए, डेली यदि एक ही काम होता रहा है, डेली बाई डेली आप एक ही चीज़ खाने की ही चीज़ ले लीजिए, यदि आप डेली दाल भात खाते रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो समय समय से बदलते रहना भी ज़रूरी है। इसलिए आप डेली आएंगे सिर्फ 10 चक्कर मुड़ बना के भाग जाएंगे, 15 चक्कर भाग जाएंगे, तो ऐसे दौड़ नहीं बन पाएगी मेरे भाई। तमाम लोग दौड़ते हैं, हर एक जगह दौड़ने वाले हैं, लेकिन आप बताइए कि जो टाउन ग्राउंड है, आप लोग को बताना चाहते हैं, यहाँ पे यार दूर दूर से लड़के आते हैं। रीज़न इसका है कि यहाँ पे प्रैक्टिस जो होती है ना, इस तरह से प्रैक्टिस होती है कि हर एक लड़के को समझ में आता है कि हाँ यार, मेरी दौड़ ज़बरदस्त बन रही है, मेरी दौड़ में परिवर्तन हो रहा है, पहले की अपेक्षा में मैं बेस्ट हो रहा हूँ। आपको यहाँ पे आपसे पैसा किसी से नहीं लिया जाता, यहाँ पे निःशुल्क निस्वार्थ बेहद अच्छी टेक्निक से, बेहद अच्छे तरीके से आपको बताया समझाया जाता है, ताकि आप अच्छे तरीके से दौड़ सकें। और लड़के उसी तरह से मेहनत भी करते हैं, अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं, भागते भी हैं। जो लड़के भी यदि यार 1600 मीटर आप भागना चाहते हैं तो शटल रनिंग आप लोग ज़रूर कीजिए। क्योंकि शटल रनिंग ही कैसी रनिंग होती है जिससे आपकी थाई में बहुत अत्यधिक पावर आता है। वैसे तो तमाम एक्सरसाइज आपको हम बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे देखने के लिए, तो जिससे आप उसको सीखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। लेकिन शटल रनिंग आप लोग जो भी धावक हैं, जो लोग भी कहीं भी दौड़ते हैं, इसको आप अपने रनिंग में ज़रूर जोड़िएगा कि हफ्ता या 10 दिन पे एक बार आप लोग शटल रनिंग ज़रूर करिए। नहीं शटल रनिंग करेंगे ना तो जो सांस फूलने की समस्या है या मान लेते हैं मसल्स पकड़ने की समस्या है, इससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। इससे यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी दौड़ बनाना चाहते हैं,
तो आपको शटल रनिंग तो करना ही पड़ेगा। शटल रनिंग ज़बरदस्त रनिंग होती है। जो लड़के शटल रनिंग करते होंगे एक बार उनसे पूछ करके भी आप देखिएगा, वाकई में थाई में पावर इससे आता है और सांस फूलने की जो समस्या है वो भी दूर होती है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सभी लोगों ने शटल रनिंग देखा, इस तरह से आप भी अपने रनिंग में इसको करते रहिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब यदि करके रखते हैं तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचेगा। आप उस चीज़ को देखिएगा, देख करके आप भी सीखिए, जानिए, समझिए और उसी तरह से सेम आप भी करते जाएंगे तो आपके भी रनिंग में परिवर्तन होगा, आपके भी रनिंग में लाभ होगा, आप बेस्ट फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मार पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने पूरी वीडियो देखा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।